सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग, बिजनेस और बैंकिंग की टर्म में क्या होता है और ग्राफिक्स और पेंटिंग की टर्म में ड्राइंग का मतलब क्या होता है इजी वे में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले अकाउंटिंग, बिजनेस और बैंकिंग की टर्म में समझते हैं कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है जब आप कोई पैसे, कोई मनी विड्रा करवाते हैं अपने बिजनेस से, अपने अकाउंट से, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। मतलब पैसे निकलवाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, उधर से आपने कोई 1,00,000 रुपए का बिजनेस है, उसमें से 10,000 रुपये आपने उठा लिया अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसमें से आपने 1,00,000 रुपए अकाउंट में पड़ा है तो आपने 20,000 रुपया निकलवा लिया, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। तो इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है कि आपने इतने पैसे ड्रॉ किए हैं, अकाउंटिंग की टर्म में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि बिजनेस को मेंटेन रखा जाए। क्योंकि आपको पता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग की टर्म में बिजनेस जो है एक अलग पर्सन है, एक उसकी अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, ऑनर एक अलग है, बिजनेस एक अलग है। तो इसलिए बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबल है, जो इन्वेस्टर है, जो ऑनर है, जिसने बिजनेस में पैसा डाला है, अभी बिजनेस की जो लाइबिलिटी है कि उसने ऑनर को पैसे देने हैं। तो जितने भी पैसे बिजनेस के अंदर से निकलेंगे तो वो जो बिजनेस है वो रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग की टर्म में। तो इसलिए जब कोई ऑनर भी बिजनेस के अंदर से या कंपनी के अंदर से या अकाउंट्स के अंदर से पैसे निकलवाता है तो बिजनेस का काम है, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का काम है उसको रिकॉर्ड करना कि इतनी लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है। बिजनेस कहता है अगर आपने 1,00,000 रुपए में से 10,000 निकाल लिया है तो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, हमने 10,000 रुपये आपको दे दिया है। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं ड्राइंग, जो पैसे वो निकलवाता है ऑनर। अभी बात आ रही थी कि ड्राइंग जो होता है पेंटिंग और ग्राफिक्स की टर्म इसका क्या मतलब होता है। आप जो एक पिक्चर ड्रा करते हैं अपने हाथों से या डिफरेंट टूल्स के ज़रिए से, जो पेन टैब होता है उसके ज़रिए से अपने लैपटॉप पे ग्राफिक्स ड्रा करते हैं, जैसे आपके लैपटॉप में पेंट होता है उसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं, पेंसिल पेन वगैरह को यूज़ करके आप ड्राइंग करते हैं, जैसे आप छोटी क्लासों में देखते होते हैं ड्राइंग बनाते हैं बच्चे, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तस्वीरें बनाना, डायग्राम बनाना, इसको भी हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ये इन दोनों का मतलब था, इस दो की ड्राइंग की दो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी आपको मैंने समझा दी। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।